जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही साहित्य के वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। उनसे पहले आपके लिए यहाँ पर बता दें कि हिंदी साहित्य में जो है 215 कवि एवं लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न होंगे, ये नंबर भी दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप आपके लिए डाउनलोड करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसी पर ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संदीप जी, मयंक जी, लवली जी, यहाँ पर पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को काशी के पंडितों ने कौन सी उपाधि दी थी जिसके बाद वे उक्त नाम से लोकप्रिय हुए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है और आप सभी का सही राइट आंसर है भारतेंदु। भारतेंदु की उपाधि दी थी काशी के पंडितों ने किसके लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए। तो इसका जो विकल्प नंबर बी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। भारतेंदु जी जो है इनका जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका जो है निधन हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है कौन सा माना जाता है बताइए, सती प्रताप या फिर तप्ता संवरण या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर वेणु संहार बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है, तो सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। संगीता जी, रमा जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 3 कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहकर पुकारा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहकर पुकारा, फुटकर रचना या फिर बड़ा भारी व्रत संग्रह या फिर सहायक रचना या फिर बड़ा व्रत संग्रह, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तो 3 का सही आंसर है बड़ा व्रत संग्रह कहकर पुकारा है रामचंद्र शुक्ल जी ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका भी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा गया, बद्री नारायण चौधरी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। बद्री नारायण चौधरी जिनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था, ये जो है भारतेंदु युग के प्रमुख के कवि माने जाते हैं बद्री नारायण चौधरी, और इनका जन्म जो है 1855 में इनका जन्म हुआ था। और संपूर्ण साहित्य इनका किस नाम से प्रकाशित हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर चयन करना है बबीता जी। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है प्रेम घन सर्वस्व, सही राइट आंसर होगा प्रेम घन सर्वस्व, यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 जिन्होंने चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक आपके लिए चयन करना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। इनका जन्म हुआ था 1856 में प्रताप नारायण मिश्र जी का, और इनका प्रसिद्ध नाटक माना जाता है वेणु संहार, भारत सौभाग्य, वैश्या विनोद या फिर गौ संकट। तो 5 का सही राइट आंसर है इनका प्रसिद्ध नाटक माना जाता है गौ संकट, विकल्प नंबर आपका जो डी है वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा।
बिल्कुल सही राइट आंसर है, गौसंकट जो है इनका प्रसिद्ध नाटक माना जाता है 1886 इसका जो है प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1886 इसका अगर प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाए तो ये भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही राइट आंसर चयन करना है और आप सभी का सही आंसर होगा कि ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ। ये चार विकल्प दिए गए हैं 1850 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, या फिर 1860 ईस्वी में, या फिर 1865 ईस्वी में। तो 6 का सही राइट आंसर है 1857 ईस्वी। यहाँ पर सही राइट आंसर लगा देते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म है 1857 में हुआ था इनका जन्म, तो विकल्प नंबर आपका 2 जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियां छंद में किस नाम से रूपांतरण किया था बताइए। किस नाम से रूपांतरण किया था, बिहारी कुंडलियां, बिहारी लाल, बिहारी प्रकाश, या फिर बिहारी बिहार। अंबिका दत्त व्यास ने पूछा है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म भी 1856 में हुआ था इनका जन्म, और इन्होंने जो है बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियां छंद में किस नाम से रूपांतरण किया था, तो राइट आंसर है 7 का विकल्प नंबर डी यानी कि बिहारी बिहार, यहाँ पर सही आंसर होगा बिहारी बिहार। आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 4, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर मायराम जी 8 यहाँ पर क्या पूछा गया है देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 की राधाचरण गोस्वामी की रचना यमलोक की यात्रा की विधा बताना है, किस विधा की रचना है। अनिल जी चयन कीजिएगा, सही राइट आंसर ये निबंध है, यात्रा वृतांत है, उपन्यास है, या फिर इस संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है यमलोक की यात्रा, और किस विधा की रचना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है ये जो है निबंध विधा की रचना मानी जाती है। राधाचरण गोस्वामी जो कि भारतेंदु युग के जो है कवि माने जाते हैं, राधाचरण गोस्वामी, और इनकी जो यमलोक की यात्रा जो रचना विधा इसकी विधा पूछा है ये निबंध विधा की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति करने वाले कवि थे, कौन थे चयन कीजिए। द्विवेदी युग में पूछा है आपसे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, श्रीधर पाठक थे, या फिर नाथुराम शर्मा शंकर थे, या राधा कृष्णदास थे। 9 का सही राइट आंसर चयन कीजिए, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति करने वाले कवि कौन थे, तो सही राइट आंसर होगा आपका नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा शंकर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, ये द्विवेदी युग के माने जाते हैं नाथुराम शर्मा शंकर, और ये जो है द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति करने वाले कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का खड़ी बोली में किस नाम से अनुवाद किया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बताइए। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचना मानी जाती है द हर्मिट, इसका खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है, एकांतवासी योगी नाम से, श्रांत पथिक, उजड़ा ग्राम, या फिर भारोत्थान बताइए। तो सही राइट आंसर होगा राधिका जी सोनू जी, विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर है, एकांतवासी योगी के नाम से जो है इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का। बिल्कुल सही आंसर है देवकी नंदन खत्री, किस प्रकार के उपन्यासों के प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बताइए। प्रेम 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 व्यंजक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, या फिर मनोविश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही राइट आंसर है देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री का पूछा है, और ये जो है तिलिस्मी उपन्यासकार माने जाते हैं, तिलिस्मी जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर 3 उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है,
12वां क्वेश्चन दिया गया है, श्रद्धानंद फिल्लौरी की रसोई से संबंधित रचना कौन सी मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, श्रद्धानंद फिल्लौरी की रसोई से संबंधित रचना बताना है। दृष्टांतवली है, कौतुक संग्रह है, पाक साधनी है या फिर बीज मंत्र है। तो राइट आंसर है 12 का विकल्प नंबर सी, राइट आंसर होगा पाक साधनी। पाक साधनी जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है। हिंदी का चतुर्माली कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, और इनका जन्म हुआ था दौलतपुर रायबरेली में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 में, और ये जो है अर्थशास्त्र संबंधी इनकी पुस्तक बताना है साहित्य सीकर है, रसज्ञ रंजन है, संपत्ति शास्त्र है या फिर कौटिल्य कोठार है। तो 3 का सही राइट आंसर है संपत्ति शास्त्र, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, हरिवंश जी का कौन सा काव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइल स्टोन माना जाता है, बताइए। हरिवंश जी का वह काव्य कौन सा है, तन्मय शर्मा जी चयन कीजिएगा, पद्म प्रसून होगा सही राइट आंसर, वैदेही वनवास, पारिजात या फिर प्रिय प्रवास। तो सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर जो 4 दिया गया है प्रिय प्रवास, वह आपका सही राइट आंसर है प्रिय प्रवास, आपका बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि किस नाटककार के नाटकों को जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की पूर्व पीठिका कहे जाते हैं, बताइए। राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु या फिर ठाकुर जगमोहन। लखविंदर जी, मीना जी, क्या होगा सही राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है और 15 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर, क्या होगा सही आंसर, राधा कृष्ण दास यहां पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा, 15 का बी होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही राधा कृष्ण दास है सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि किशोरीदास गोस्वामी के सुल्ताना रजिया बेगम उपन्यास का दूसरा नाम क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का ये उपन्यास माना जाता है सुल्ताना रजिया बेगम, इसका दूसरा नाम बताना है आदर्श रमणी, आदर्श सती, रंग महल में हलाहल या फिर मस्तानी, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, रंग महल में हलाहल ये जो है सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, सुल्ताना रजिया बेगम ये उपन्यास का दूसरा नाम है रंग महल में हलाहल, ये उपन्यास किशोरीदास गोस्वामी जी का माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मिश्र बंधुओं में कौन डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, बताइए। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन थे भाई जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, चयन कीजिएगा सही राइट आंसर, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है वह मिश्र बंधु विनोद माना जाता है, और डिप्टी कलेक्टर के पद पर पूछा है तो श्याम बिहारी मिश्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर सी होगा सही आंसर, जिन्होंने सी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विधाई संभाषण गद्य पाठ की विधा बताना है, ये किस विधा की रचना मानी जाती है, व्यंग है, ललित निबंध है, कहानी है या फिर ये एकांकी विधा की रचना मानी जाती है, बताइए। विधाई संभाषण गद्य पाठ की विधा बताना है,
ये बालमुकुंद गुप्त जी की रचना मानी जाती है और ये किस प्रकार की रचना है, इसकी विधा होगी कौन सी? व्यंग आपका सही राइट आंसर है, व्यंग विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका एक जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, व्यंग विधा की रचना मानी जाती है, एक विधाई संभाषण। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 दिया गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की भ्रमर गीत परंपरा की रचना आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है, गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला या फिर सिंगार लहरी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बताना है और इनकी जो भ्रमर गीत परंपरा की रचना मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर सभी लोग चयन कर रहे हैं 19 में। कार्तिक जी विकल्प नंबर बी, बहुत बढ़िया, बी जिन्होंने भी चयन किया है उद्धव शतक, उनका यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, उद्धव शतक सही राइट आंसर लगा देते हैं सभी लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या पूछा गया है, गोपाल राम गहमरी ने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं बताइए, गोपाल राम गहमरी इन्होंने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं, गोपाल राम गहमरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी, तो ये जो है जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने लगभग 100, 200, 75 या फिर 50 कितने उपन्यास लिखे हैं ये बताना है, जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, लगभग इन्होंने 200 उपन्यास लिखे हैं, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, जिन्होंने चयन किया है बी उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, नाटकों के मंचन में रामायण कथा में राय देवी प्रसाद पूर्ण किसकी भूमिका में होते हैं बताइए, नाटकों के मंचन में पूछा है किसकी भूमिका में होते हैं, सुग्रीव, निषादराज, अंगद या फिर विभीषण। 21 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा यहाँ पर सही राइट आंसर, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, ये निषाद राज की भूमिका में जो है होते हैं, विकल्प नंबर बी सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये चयन करना है, प्रेमचंद जी की कहानी जो ईदगाह है ये पूछी जाती है, ईदगाह कहानी और एक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, चांद में, माधुरी में, हंस में या फिर जमाना में। प्रेमचंद 1880 में इनका जो है जन्म हुआ था प्रेमचंद जी का, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर एक सही आंसर है यानी कि चांद होगा सही राइट आंसर, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, अध्यापक पूर्णसैनी का पहला निबंध बताना है कौन सा माना जाता है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता या फिर कन्यादान, चयन कीजिएगा सही आंसर, क्या होगा सही राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सरदार अध्यापक पूर्णसैन जी का जो पहला निबंध माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, ये भी पूछा जाता है किस युग के जो है निबंधकार माने जाते हैं सरदार अध्यापक पूर्णसैन, ये द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं और इनका पहला निबंध माना जाता है कौन सा, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम या कन्यादान। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो है एक सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, आचरण की सभ्यता आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, ये रहा कछुआ धर्म निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कछुआ धर्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर डॉक्टर नगेंद्र सागर कुमार जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 24 पूछा गया है, कछुआ धर्म निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं,
तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 सही आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, आप लोगों ने सही आंसर चयन किया है। गुलेरी जी 1883 में इनका जन्म हुआ था, इनका गुलेरी जी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा गया है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हास्य व्यंग रचनाएं किस उपनाम से लिखते थे बताइए। 25 का सही राइट आंसर चयन करना है तरंगी, स्नेही, त्रिशूल या फिर जकी, किस उपनाम से ये रचनाएं लिखा करते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। अनिल जी ये जो क्वेश्चन है अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दो तीन चार बुक से आपसे जो है जो अलग अलग बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी को मिलाकर जो है यहाँ पर लाए गए हैं ये क्वेश्चन तीन चार बुक के। और क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हास्य व्यंग रचनाएं किस उपनाम से लिखते थे, तो आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा तरंगी। तरंगी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, तरंगी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। देखिए जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हास्य व्यंग रचना तरंगी उपनाम से लिखते थे और राष्ट्रपरक रचना जो है ये लिखते थे त्रिशूल उपनाम से, तो सभी लोग यहाँ पर त्रिशूल बता रहे, विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर, तरंगी होगा आपका यहाँ पर सही आंसर। बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ से सूफी आख्यान की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है ये चयन करना है। शेख नबी की ज्ञानदीप रचना से, जायसी की पद्मावत से, मंजन की मधुमालती से या नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 में विकल्प नंबर आपका जो 4 है वह सही राइट आंसर है, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी आपका जो विकल्प नंबर 4 है वह आपका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म 1884 माना जाता है, 1884 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। और क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर यहाँ पर जो 4 है वह बिल्कुल सही आंसर होगा। किस आलोचक ने मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है बताइए। मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या रामकुमार वर्मा ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आपका यहां पर भी जो है सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। सागर जी अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा नाटक है जिसका अनेक बार मंचन हुआ है, वह नाटक आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, कंजूस की खोपड़ी, अंतरपुर का छिद्र या फिर बरमाला या अंगूर की बेटी। सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और यहाँ पर अंतरपुर का छिद्र जो है विकल्प नंबर 2 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 29, लोचन प्रसाद पांडे किस युग के कवि थे ये आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा सही राइट आंसर। लोचन प्रसाद पांडे पूछा गया है ये किस युग के कवि थे, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 सही राइट आंसर है, द्विवेदी युग आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। द्विवेदी युग के ये जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं लोचन प्रसाद पांडे जी, बिल्कुल सही आंसर। बाबू गुलाब राय मूल रूप से हैं, ये क्या माने जाते हैं बाबू गुलाब राय, चयन कीजिएगा सही आंसर। कहानीकार एवं उपन्यासकार, आलोचक एवं निबंधकार,
नाटककार एवं एकांकीकार या कवि एवं कहानीकार? चयन कीजिएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में चयन करना है कि बाबू गुलाब राय मूल रूप से क्या माने जाते हैं, और आप सभी का सही आंसर, ये मूल रूप से आलोचक और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं बाबू गुलाब राय जी। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, जिन्होंने चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। और बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा मानी जाती है मेरी असफलताएं, इन्हीं की जो एक आत्मकथा मानी जाती है, पूछी जाती है एक कि मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है, बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा गया है, राम नरेश त्रिपाठी किस पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं करने लगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है कल्पना, सरस्वती, जय भारत या फिर विशाल भारत। अभी सिंह जी क्या होगा सही राइट आंसर, राजकुमारी राव जी बताइए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, राम नरेश त्रिपाठी किस पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं करने लगे, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है, यानी कि सरस्वती। सरस्वती सही आंसर लगा देते हैं, विकल्प नंबर बी जिन्होंने चयन किया है उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, अभेद संतानों की यथार्थपूर्ण कथा वस्तु का उपन्यास कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 पूछा गया है, कंकाल है, तितली है, इरावती है या फिर कचनार है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 32 का आपका सही राइट आंसर होगा कि अभेद संतानों की यथार्थपूर्ण कथा वस्तु का जो उपन्यास माना जाता है वह माना जाता है कौन सा, कंकाल। कंकाल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक यहां पर जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद जी का ये जो है रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 33, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक आपके लिए बताना है, कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है, कृष्णार्जुन युद्ध, अजात शत्रु या फिर कामना या फिर विशाख, ये चार विकल्प हैं, इनमें से आपको चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक बताना है कौन सा है, और बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है यहाँ पर विकल्प नंबर जो एक है कृष्णार्जुन युद्ध, वह आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर लगा दें, बिल्कुल सही राइट आंसर, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिए। बताइए वह कौन सी रचना है जिसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा बताना है कौन सी है, अपनी कहानी या फिर आप बीती या फिर मेरा जीवन प्रवाह या फिर सिंहावलोकन, बताइए। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा बताना है कौन सी मानी जाती है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, हेम तरंगिनी, हेम तरंगिनी जो रचना है इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा की बात करें, अपनी कहानी इनकी आत्मकथा मानी जाती है, विकल्प नंबर नीतू जी एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 34 में, बिल्कुल सही राइट आंसर है 34 का, ये जिन्होंने चयन किया है उनका सही आंसर है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री मुख्यतः है ये क्या माने जाते हैं, एक निबंधकार हैं, आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं या कहानीकार हैं, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही राइट आंसर, आचार्य चतुरसेन शास्त्री ये मुख्यतः क्या माने जाते हैं, और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा, ये माने जाते हैं उपन्यासकार। उपन्यासकार हृदय की परख एक इनका उपन्यास माना जाता है, चतुर सेन शास्त्री जी का उपन्यास माना जाता है एक हृदय की परख है। और
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की हास्य व्यंग कहानियां किस रूप में प्रकाशित हुई हैं? चुभते चौपदे, द्विवेदी जी की चिट्ठी, माजरा क्या है, या फिर चौके चौपदे, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 36, और 36 का सही राइट आंसर होगा विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की हास्य व्यंग कहानियां किस रूप में प्रकाशित हुई हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है, दुबे जी की चिट्ठी यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, माधुरी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 37वां क्वेश्चन पूछा गया है, राहुल सांकेत्यायन साहित्य जगत में किस रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, बताइए, भ्रमणशील, मनोविश्लेषक, ज्योतिषी, या फिर इतिहासकार के रूप में। राहुल सांकेत्यायन, ये आपके लिए बताना, ये जो साहित्य जगत में सबसे अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं, किस रूप में ये लोकप्रिय माने जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, भ्रमणशील। भ्रमणशील आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 पूछा गया है, शिव पूजन यहाँ पर पूछा गया है कि किस साहित्यकार को हिंदी भाषा की प्रमाणिक टकसाल कहा जाता है, वह साहित्यकार चयन कीजिएगा सभी लोग। प्रवीण जी क्या होगा सही आंसर, लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और वह कौन से साहित्यकार हैं जिनको हिंदी भाषा की प्रमाणिक टकसाल कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, शिवपूजन सहाय हैं, या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर है, शिव पूजन सहाय राइट आंसर होगा, हिंदी भाषा की प्रमाणिक टकसाल कहा जाता है, और इसी के साथ भाषा का जादूगर भी इन्हीं के लिए कहा जाता है, शिव पूजन सहाय के लिए। भाषा का जादूगर जो कि पूछा जाता है किसके लिए कहा जाता है बबीता जी, तो शिव पूजन सहाय जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिया रामचरण गुप्त की गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन पर लिखी गई काव्य रचना कौन सी है, बताइए। 39वां क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मोत्सर्ग है, या फिर अमृत पुत्र है, या फिर दुर्वा दल है, या पाथे, क्या होगा सही आंसर। सिया रामचरण गुप्त की गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन पर लिखी गई काव्य रचना आपके लिए बताना है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, आत्मोत्सर्ग आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक होगा यहाँ पर सही राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है 40वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं, कि एथेंस का सत्यार्थी कहानी के रचयिता कौन माने जाते हैं, अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र जी हैं, सुदर्शन जी हैं, या फिर यशपाल जी हैं, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, और एथेंस का सत्यार्थी कहानी के रचयिता पूछा गया है आपसे, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इसके रचयिता माने जाते हैं सुदर्शन, कौन माने जाते हैं 40 में, सुदर्शन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। हार की जीत, ये इनकी जो है कहानी मानी जाती है, जो कि हार की जीत कहानी पूछी जाती है, और एथेंस का सत्यार्थी कहानी के रचयिता भी जो है सुदर्शन माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, वियोगी हरि की वीर रस से परिपूर्ण कौन सी रचना है, बताइए, संत वाणी है, वीर सत्सई है, साहित्य विहार है, या फिर प्रेम शतक है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही राइट आंसर चयन करेंगे सभी लोग, और 41 का सही राइट आंसर है कि वियोगी हरि की वीर रस से परिपूर्ण कौन सी रचना मानी जाती है, वीर सत्सई मानी जाती है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर अनिल जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, वीर सत्सई। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दुर्गा प्रसाद खत्री के तिलिस्म इयारी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन से माने जाते हैं, दुर्गा प्रसाद खत्री के पूछा है, सुवर्ण रेखा, स्वर्गपुरी,
या फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो विकल्प दिया गया है, कलंक कालीमा काला चोर, या फिर भूतनाथ रोहितास मठ और सागर सम्राट साकेत। ये चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। दुर्गा प्रसाद खत्री जो कि तिलिस्मी यारी के जो है प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, और इनके तिलिस्मी यारी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की बात करें तो इनके माने जाते हैं कौन से, भूतनाथ और रोहितास मठ। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। द्विवेदी युग के बाद के युग को छायावाद नाम देने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, वह विद्वान आपके लिए बताना है। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, मुकुटधर पांडे हैं, नामवर सिंह हैं या फिर आचार्य शुक्ल हैं, बताइए। तो द्विवेदी युग के बाद के युग को छायावाद नाम देने वाले जो प्रथम विद्वान थे वह कौन थे, विकल्प नंबर 2 आपका सही राइट आंसर है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे सही आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों ने भी यहां पर सही आंसर चयन किया है कि मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतेंदु नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। भारतेंदु एक नाटक है ये, और इसके रचयिता माने जाते हैं सेठ गोविंद दास, वियोगी हरि या फिर सुदर्शन या फिर दुर्गा प्रसाद खत्री, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में विकल्प नंबर जो 1 है सही राइट आंसर होगा, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास सही आंसर लगा देते हैं, ये इनका एक नाटक है भारतेंदु, नाटक विधा की रचना मानी जाती है सेठ गोविंद दास जी की ये रचना है, बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत ही कम लोगों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक किया है, एक बार सभी लोग लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि निराला की किस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। निराला की वह कविता आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है। निराला जी का वास्तविक नाम माना जाता है गोसाई दत्त, पूछा जाता है। और निराला जी की वह कविता आपको चयन करना है, जूही की कली है, संध्या सुंदरी है या फिर कुकुर मुत्ता है या फिर गर्म पकौड़ी है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है तन्मय जी, बिल्कुल विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, जूही की कली, बिल्कुल सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, जूही की कली जो है इस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको जो है ये कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कानपुर से किस पत्रिका का संपादन किया था, वह पत्रिका आपके लिए बताना है। चयन कीजिएगा, प्रभा है, कर्मवीर है, निकस है या फिर बालक, बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कानपुर से एक पत्रिका का जो है संपादन किया था वह कौन सी पत्रिका है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और इनमें से आपका सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रभा सही राइट आंसर होगा। प्रभा जिन्होंने चयन किया विकल्प नंबर 1 उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। और एक इनका एक जो है काव्य भी माना जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का, कौन सा, कुमकुम। कुमकुम ये पूछा जाता है, कुमकुम काव्य जो है किसका माना जाता है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जेल की दीवारों पर लिखी देवकी नंदन विभव की रचना बताना है। देवकी नंदन विभव की रचना बताना है कौन सी है, यथार्थ है या फिर अंतरदर्शन है या फिर अंत दर्शन है या कुष्मांजलि है या विजय पथ है, अनुका जी चयन कीजिएगा सही आंसर। तो सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 में कुष्मांजलि होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जो कुष्मांजलि है ये जेल की दीवारों पर लिखी गई देवकी नंदन विभव की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है किस साहित्यकार ने रामवृक्ष वेणीपुरी की रचना को फौलाद उगलने वाली और मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। किनकी रचनाओं को, रामवृक्ष वेणीपुरी की रचनाओं को किसने बताया, माखनलाल चतुर्वेदी ने,
जैनेन्द्र कुमार ने, सुदर्शन ने या फिर यशपाल ने? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर रीना सिंह जी, क्या होगा सही आंसर ये चयन करना है। तो चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना को फौलाद उगलने वाली और मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली रचना बताया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 पूछा गया है, सपना बिक गया रचना की विधा आपके लिए बताना है, किस विधा की रचना मानी जाती है सपना बिक गया, बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं ये, और किसकी रचना है ये भी आपके लिए कमेंट में बताना है। ये नाटक विधा की रचना है, कहानी संग्रह है या उपन्यास है या फिर निबंध है, और किसकी रचना है ये भी आप चयन कीजिएगा। सपना बिक गया है, सपना बिक गया ये रचना की विधा बताना है, उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी जिन्होंने चयन किया है उपन्यास, उनका सही आंसर है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का, ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ किस आलोचक ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया गया है, नंद दुलारी वाजपेयी होगा सही आंसर, नामवर से हैं डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामकुमार वर्मा ने, किसने इसे जो इस कहानी को जो है हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। तो 50 का सही राइट आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, नंद दुलारी वाजपेयी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी मानी जाती है उसकी माँ, और पांडे बेचन शर्मा उग्र जिनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने, रोज अपनी ये क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, सभी लोग इसी तरह से जुड़ा करें। एक 9 बजे भी क्लास होती है सुबह हिंदी साहित्य की, तो उससे भी सभी लोग जुड़ा करें, और ये आपकी महत्वपूर्ण क्लासें चलती हैं इसी चैनल पर। एक स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आपकी शाम को 4 बजे एक क्लास होती है, उससे भी सभी लोग जुड़ा करें, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक किए हैं अभी तक। हिंदी साहित्य में आपके लिए 215 कवि एवं लेखकों का जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो भी परचेस करना चाहता है तो वह भी इसको परचेस कर सकते हैं 299 रुपये मात्र में, 4700 इसमें प्रश्न होंगे, और यहाँ पर आपके लिए नंबर भी दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप डाउनलोड करना है आपके लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसी ऐप पर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी। तो इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, इस ऐप को डाउनलोड करना है, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है लाइव क्लास का, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो लाइव क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। मनीषा जी, अर्चना जी, लवली जी और श्वेता जी और अर्चना जी, रंजना यादव जी, निशा वर्मा जी, सागर कुमार जी और तन्नू जी, रिता जी, कार्तिक जी, रीमा जी, अनिल जी, नीतू जी, मनीषा गिल जी, अनुका जी, प्रियंका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी जी, नीलम जी, अर्चना जी और नीता कुमारी जी, तन्नू जी, सुनीता कालसा जी, इट्स आर एच जी और एस कुमार जी, लखविंदर जी, बीनू सरोज जी और संगीता जी, रजनी बाला जी, सोनू सोनू जी, अनिल जी बिल्कुल, प्रियंका यादव जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सिंह जी और रमा शर्मा जी, प्रीति पुरोहित जी, सोनी राय जी, रीना कुमारी जी, रीमा जी और तन्मय शर्मा जी, सुषमा मौर्या जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज होती है अपनी एक क्लास है सरोज जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे,
कांता राय जी, नहीं ये टाइपिंग वाले क्वेश्चन है, अपने टाइप किए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं इस क्लास में आपके लिए। कांता जी, निशा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग। सभी के लिए शुभरात्रि।